हेलो एवरीवन, जब भी हम मलाई से कढ़ाई में घी बनाते हैं तो हमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है घी बनाने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ध्यान हट जाए तो मलाई कढ़ाई में लग जाती है और घी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसलिए पूरा टाइम हमें घी को देखना पड़ता है कि कहीं घी जल ना जाए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप मिनटों में घी तैयार कर सकते हैं और उसे आपको बार बार देखने या चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से माइक्रोवेव में मलाई से घी तैयार कर सकते हैं। माइक्रोवेव में घी बनाने के लिए हम माइक्रोवेव सेफ कांच का एक बॉल लेंगे। आपको ये मलाई का घी कांच के बॉल में ही बनाना है, प्लास्टिक यूज नहीं करना है। मैंने यहाँ पर एक कटोरी मलाई ली है। अब हम इसको बॉल में खाली कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि बाउल हमें थोड़ा बड़ा साइज का ही यूज करना है, क्योंकि जब हम मलाई को माइक्रोवेव करेंगे तो ये उफन कर बाहर आती है। अब हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रोवेव मोड सेलेक्ट करेंगे 900 वोल्ट पर। अब हम इसमें पहले 4 मिनट का टाइम सेलेक्ट करेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। 4 मिनट्स के बाद अब हम मलाई को एक बार एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आने लग गया है। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे फिर से पकाएंगे। अब हम फिर से माइक्रोवेव मोड सेट करेंगे 600 वोल्ट पर। अब 600 वोल्ट पर हम इसमें 10 मिनट का टाइम सेट कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे। अगर हम इसे हाई पावर पर चला देंगे तो ये उफन कर बाहर भी आ सकती है, लेकिन लो पावर पर चलाने से ऐसा नहीं होगा। तो ये 600 वोल्ट पर हमने इसको 10 मिनट के लिए फिर से पकाना शुरू किया है। 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए घी हमारा एकदम निकल चुका है। अब हम बॉल को निकाल लेंगे। मलाई से ये एकदम घी निकल चुका है। अब हम इसे छान लेंगे और आप देख सकते हैं इसमें ये जो मावा बचा है इसको भी हम काफी डिशेस में यूज कर सकते हैं। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए मलाई से घी निकालने के बाद ये जो मावा बचा है ये भी बहुत सॉफ्ट है और इसका यूज़ हम कई डिशेज में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इससे मिल्क केक बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए मलाई से कितना अच्छा ये घी हमारा निकलकर तैयार हुआ है। लेफ्ट ओवर मावा से मिल्क केक कैसे बनाते हैं, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं।